आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां कैब को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में बवाल और आगजनी हुई, लेकिन इस मामले में इलाहाबाद के लोगों में एक मिसाइल कायम की। इस शहर में विरोध हुआ, जुलूस निकला, लेकिन कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जिससे लोगों को नुकसान हो। आज इलाहाबाद की जनता को इस संयम के लिए प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने बधाई दी। आज DIG KP सिंह ने पुलिस हेडक्वार्टर के लॉन में शहर के बुद्धिजीवी और मानिंद लोगों के साथ अफसरों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में अफसरों में ADG सुजीत पांडे, SSP सत्य पंकज अनिरुद्ध, SP ब्रजेश श्रीवास्तव, जबकि प्रशासन की तरफ से कमिश्नर आशीष गोयल, DM भानु चंद गोस्वामी और मेयर अभिलाषा गुप्ता शामिल रहीं। सभी अफसरों ने इलाहाबाद की जनता की काफ़ी तारीफ की और कहा, ऐसा माहौल में इलाहाबाद की जनता ने दुनिया को बता दिया कि ये शहर वाकई गंगी जमनी तहजीब की मिसाल है। बैठक में DM ने ऐलान किया कि जिन लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया उन्हें जल्दी सम्मान से नवाजा जाएगा और जिन्होंने अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह किया उनकी गतिविधियों की जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राजनीति संगठनों के साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए, जिसमें शहर के सभी मोजेस लोगों को, हमारे प्रोफेसर थे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के, हमारे हाईकोर्ट के सारे सीनियर एडवोकेट्स थे, हमारे डॉक्टर एसोसिएशन के लोग थे, हमारे शहर के मोजेस लोग थे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो थे, और मेयर थी, सारे पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी थे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे प्रमुख लोग थे। और ये बात थी कि संवाद से बड़ी कोई शक्ति नहीं, बात की जाए कि किस तरह से चीज़ें और बेहतर हों, जो संघर्ष है, जो व्यवस्था है, वो बेहतर से और बेहतर की तरफ चीज़ें होनी चाहिए, अच्छाई से और अच्छाई का संघर्ष, इस बात को हम कैसे आगे लेके चलें। और ये लगातार एक सप्ताह जो गुजरा है, सारे शहर में एक तरह का भ्रम, एक तरह की शांति को लेकर शंकाएँ थी, उस शंका को कैसे हम तर्क से दूर करें, कैसे लोगों में विश्वास पैदा हो, सब मिल करके काम करें और जो बुद्धिजीवी हैं आगे बढ़ करके जुए को उठाएँ और इस शहर को एक मॉडल शहर के रूप में स्थापित करें, ये हमारी अपील थी। और मैं समझता हूँ कि जो संवाद हुआ है वो अपने आप में बहुत ही सफल है। अच्छा, जिन लोगों को चिन्हित, सर ऐसा है कि शहर में बहुत लंबे समय से कोशिश हो रही है कि सारी चीज़ें ठीक चलती रहें, और इसमें जो हम लोगों के इनपुट्स आए हैं, बहुत से गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वाले लोगों को भी इनपुट्स मिले, और जाहिर सी बात है शहर में आगे भी शांति और अमन चैन बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी गड़बड़ी फैलाने वाले ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, और ऐसी कोशिश जो लोग भी कर रहे थे हमारे पास उसके साक्ष्य भी जैसे जैसे मौजूद होते जा रहे हैं, उनके आगे निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कार्रवाई नहीं करने का प्रशासन का रोल नहीं है। प्रशासन का रोल हमेशा प्रोएक्टिव रहने का, और प्रोएक्टिव रहने के कारण ही प्रयागराज में प्रशासन ने सारी चीज़ों को हैंडल किया, लोगों का भी उसमें बहुत कोऑपरेशन मिला है, सभी लोगों को ऑपरेशन मिला है निश्चित रूप से, और इस कड़ी को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। साथ ही सम्मानित भी करेंगे कुछ लोगों को, निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं होगी। इसमें जिन लोगों ने साथ में खड़े होकर लोगों के बीच जाकर अपील की, भ्रम फैलाया और शांति की अपील की विशेष रूप से, और लोगों को समझाया बुझा, और उसमें भी अपनी मजबूती दिखाई, तो निश्चित रूप से उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए, उनको हम सम्मानित भी करेंगे, ऐसे सभी लोगों को सम्मानित करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सोसाइटी के प्रति, जो कंट्री के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुल करके शो किया, उसको दिखाया, से दिखाया। अच्छा, टोटलिटी में जो पूरा सब कुछ हुआ था अभी, उसके लिए आप मुतमईन नहीं है कि संगठन का हमेशा प्रशासन की जो भूमिका होती है वो ये होती है कि सभी चीज़ों पर निकाल, सभी चीज़ों पर नज़र रखें, शांति कायम रखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार हमने कर दी तो उसको लेकर निश्चिंत रहें, यह एक डायनेमिक चीज़ है, एक प्रोसेस है, और यह प्रोसेस लगातार चलते रहना चाहिए, और प्रशासन कभी भी निश्चिंत नहीं बैठ सकता है, प्रशासन का काम ही यही है कि सभी चीज़ों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखें। अभी आपने इलाहाबाद की तारीफ की, तो क्या पूरे अपनी, आपने कहा कैरियर में मैंने पहली बार ऐसा देखा इस तरह, तो क्या कोई शहर का कोई रोल नहीं है इस मामले में, कोई तारीफ नहीं करेंगे आप? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रयागराज के लोगों ने जो भूमिका अदा की, मैंने अभी इस बात को कहा भी कि प्रयागराज के लोगों ने जो भूमिका अदा की, प्रशासन का रोल तो सिर्फ एक मॉनिटरिंग करने का रोल होता है, और निश्चित रूप से जो 99.9% लोग हैं जो शांति चाहते हैं उनका ही तो सबसे बड़ा रोल है, और ये बात मैंने अपने अभी जो भाषण है, अपना जो संबोधन है, उसमें मैंने कहा लोगों से, इस बात के लिए मैंने कहा, और इसीलिए ये बात भी हो रही है कि ऐसे लोगों को सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर आगे आकर अपनी भूमिका निभाई है, वो काबिले तारीफ है उनका रोल, और पूरे शहर में मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर हर आदमी शांति चाहता है, और ये शहर ने उसको प्रूव किया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब